नमस्कार दोस्तों ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत इधर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की मंत्री जिनके पास सतर्कता विभाग है अतिशी मारलेन इनका चीफ सेक्रेटरी के प्रति कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाई दे रहा है प्यार उमड़ रहा है अभी तीन दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेस के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर के एक कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सौंपी जिसमें मार तमाम आरोप लगा दिए गए चीफ सेक्रेटरी के बेटे के ऊपर अब ये चीफ सेक्रेटरी कब बने हैं इनके बेटे का उस पूरे जमीन अधिग्रहण मामले से कका लेना देना है ये सब चीजें भी अगर भूल जाएं या उनको अनदेखा करें तो भी इतने समय बाद अचानक इनकी ये तंद्रा क्यों भंग हुई है ये जानने की कोशिश करेंगे और आज एक और मामला जो है वही आतिशी मारलेना ने एक अस्पताल को लेकर के भी कुछ उसी तरह के दावे किए उसी तरह की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को सौंपी तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में माजरा है क्या और जो आरोप ये लगा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं बदले की भावना से प्रेरित हैं या इसमें कोई सीरियसनेस है चलिए सीधे जुड़ लेते हैं जाने माने विश्लेषक और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता विजय सरदाना साहब के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं विजय जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार सर विजय जी ये अचानक चीफ सेक्रेटरी के प्रति इनका जो ये प्यार उमड़ आया है इसकी क्या वजह मानते हैं कहीं इसके पीछे वो शराब घोटाले वाली चीफ सेक्रेटरी की फाइल तो नहीं है जो उन्होंने सबसे पहले इनका शराब घोटाले का मामला उजागर किया था और जिसकी वजह से इनके दो करीबी सहयोगी जा चुके हैं अंदर और अब इनका भी नंबर है कभी भी बुलावा आ सकता है ईडी की तरफ से और कभी भी इनकी जेल यात्रा शुरू हो सकती है तो वो मसला है कुछ और मसला है ओंकार जी सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी नमस्कार देखिए सर ये जो आ, घटनाक्रम है ये 2018 को शुरू हुआ था ये आज की बात नहीं है पांच साल पुरानी बात है और तब से लेकर अभी तक केजरीवाल साहब को ये समझ में नहीं आया कि वहां घपला हुआ है शायद ये खुद ही अपने घपलों में इतने बिजी थे कि इनको बाकी कुछ समझ में नहीं आया अब कुल मिला के बात ऐसी है सर जो इसकी भूमिका वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का टेन्योर हो रहा है पूरा मेरे ख्याल से नवंबर एंड में उनका टेन्योर पूरा हो रहा है और क्योंकि जिस तरह से अभी सारी कार्रवाइयां चल रही हैं राज्य सरकार में इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और अभी भी मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील कर रखी है कि ये अपॉइंटमेंट पोस्टिंग किसकी होगी वगैरह वगैरह तो इनको केजरीवाल साहब को ये लगता है कि कहीं केंद्र सरकार या एल के, के रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार कहीं चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्टिंग है या जो उनकी आ, जिसको कहते हैं कि टेन्योर है उसको एक्सटेंड ना कर दे क्योंकि कानून के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार केंद्र सरकार को है क्योंकि दिल्ली एक जैसे हम कह सकते हैं कि आ, फुल स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी है तो एक हाइब्रिड मॉडल है दिल्ली का और उसकी कंट्रोल क्योंकि केंद्र सरकार को अपने पास रखनी है तो चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास अब सवाल इस बात को लेकर आता है कि मान लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हो जाते हैं अपने टेन्यूर खत्म होने पे, तो नया जो चीफ सेक्रेटरी आएगा वो भी तो मोदी सरकार ही अपॉइंट करेगी तो केजरीवाल साहब को तो ये पता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन ये एक बदला है कि भाई मैं तुमने मुझे तंग किया मेरे मंत्रियों को जेल भिजवाया अब मैं तुम्हें कुर्सी पे नहीं रहने दूंगा मेरी शीश महल की फाइल तुमने खुलवाई मेरे को परेशान होना पड़ रहा है ये दारू की फाइलें खुल गई हैं चोरी की फाइलें खुल गई हैं डीटीसी की खुल गई हैं करीब तीस पैंतीस छोटे बड़ी इंक्वायरिया चल रही है और दिल्ली सरकार में सर्वोच्च अधिकारी होता है चीफ सेक्रेटरी और बगैर उसकी इजाजत या परमिशन के कोई इंक्वायरी नहीं होती है क्योंकि आफ्टरऑल कहीं से तो कंसेंट लेना पड़ेगा तो केजरीवाल साहब को तो ये पता है कि जब तक ये चीफ सेक्रेटरी रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे जितनी उनकी इंक्वायरीज अभी हो रही हैं वो सीधी लॉजिकल कंक्लूजन पे जाएंगी और उसमें कईयों को जेल हुई है कईयों और का नंबर है अब केजरीवाल साहब सोच रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा ये वो जानते हैं या सीबीआई जानती है या ईडी जानती है अब सवाल इस बात का है कि ये मसला है क्या जो आपने सवाल पूछा जी हाँ जी हाँ तो सर मसला है एक 19 एकड़ जमीन के टुकड़े को लेकर और ये मसला आज का नहीं 2018 का है आपको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक एनएचआई का, का काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो एयरपोर्ट के दिल्ली एयरपोर्ट के बैक साइड से द्वारका और गुड़गांव को कनेक्ट करते हुए जो उस तरफ की जो डेवलपमेंट हो रही है जहां पे काफी सारा क्योंकि एयरपोर्ट होने से तो काफी बड़े एयरपोर्ट तो के, के आसपास काफी ट्रैफिक जैम रहता है हम सबको पता है कि वो एयरपोर्ट आप चले जाए तो मतलब दिल्ली गुड़गांव के बीच में अगर सबसे ज्यादा कहीं ट्रैफिक जैम होता है तो वो आपका एयरपोर्ट के आसपास का एरिया सबसे ज्यादा जाम होता है तो उसको डीकंजेशन करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे की प्लानिंग की गई उसके आसपास क्योंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है तो आसपास की जमीनों के अंदर भी काफी सारे काम होंगे और एनएचआई को भी और जमीन चाहिए होगी एक्सपेंशन के लिए वगैरह वगैरह तो 2018 में एन ने ये जमीन खरीदी करीब 19 एकड़ और उस समय इस जमीन की जो कीमत लगाई गई थी वो लगाई गई थी इकतालीस करोड़ और इकतालीस पॉइंट पांच दो करोड़ रुपए लगाई थी तो जैसा अक्सर होता है सर कि लोग शुरू में तो जमीनें दे देते हैं और एन ने जमीन ले ली और फिर लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं कि साहब मुआवजा कम था हमें दिलाया जाए यमुना एक्सप्रेस के समय भी यही हुआ बाकी जगह भी यही हुआ थैंकफुली दिल्ली मेट्रो जब बन रहा था तो कानून में लिख दिया गया था कि जो जमीन की कीमत तय की जाएगी उसके आगे कोई एस्केलेशन नहीं होगा कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा कोई झगड़ा कोर्ट में नहीं जाएगा नहीं तो मेट्रो बन ही नहीं पाती जिस तरह से हमारे यहां पे लोगों ने तमाशे करने की आदत बना रखी है, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी जमीन का मुआवजा कम है हमें बढ़ना चाहिए इसको बढ़ाना चाहिए एनएचआई ने कहा कि जब जो मार्केट रेट के हिसाब से जो सही बनता था वो हमने दिया जी ये जो एलोकेशन हुआ था ये एडिशनल डीएम जो एरिया के थे उनके अधिकार क्षेत्र में आता है उन्होंने इकतालीस पॉइंट पांच दो करोड़ की ये जमीन दे दी अपील के लिए गए जब ये अपील के लिए मुद्दा गया तो जो अभी जिस झगड़े की बात हो रही है जिस डीएम के कारण उससे पहले वहां तीन डीएम और आए थे इस बात को हमें समझना होगा 2000 फरवरी 2019 से लेकर जून 2022 इस बीच तीन डीएम और आए थे उस एरिया में डीएम का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो डीएम जो है वो आर्बिट्रेटर का, का काम करता है। तीनों डीएम ने कहा कि नहीं जो मुआवजा दिया गया है इकतालीस पॉइंट पांच दो करोड़ रुपए वो ठीक है उसमें कोई गड़बड़ नहीं लेकिन लोग प्रोटेस्ट करते रहे फिर एक डीएम आए हेमंत कुमार और ये आए और इन्होंने उस मुआवजे को इकतालीस पॉइंट पांच दो करोड़ से बढ़ाकर तीन सौ त्रेपन पॉइंट सात नौ करोड़ कर, कर दिया और एनएचए ने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या तरीका है इस ये पैसा किस बात का क्योंकि देना तो एनएचए को था और केजरीवाल की जेब से कुछ नहीं जाता डीएम की जेब से कुछ नहीं जाता क्योंकि देना तो जिसने जमीन लिया उसको है उन्होंने इस जो आर्बिट्रेशन जो डिसीजन था इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया और यह मुद्दा चला गया कोर्ट में सीएस ने ऑफिशियल मीटिंग में बुला के इस बात को कहा कि आप इस तरह के डिसीजन क्यों ले रहे हैं आप एज पर प्रोसीजर जाइए इस तरह की प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए डेवलपमेंट वर्क में डीएम ने सीएस की बात को नहीं माना क्योंकि शायद चीफ मिनिस्टर के लोग होंगे क्योंकि यहां भी वो घपला हो सकता है कि जो बयालीस इकतालीस करोड़ की जगह पांच सौ त्रेपन करोड़ रुपए अगर मुआवजा मिलेगा तो शायद आम आदमी पार्टी को भी सौ करोड़ का चंदा मिल सकता होगा इसका दूसरा एंगल ये ये भी तो ये भी देखिए तो केजरीवाल ने कोई की होगी उन जमीन वालों से कि नहीं तुम करो और मैं डीएम को बोलूंगा ये दिएगा और एन एच आई से हम पैसा दिलवाएंगे फिर बांट लेंगे आधा आधा क्या दिक्कत है हम तो आधा आधा का फॉर्मूला फिफ्टी फिफ्टी तुम बनाने के लिए सरकार आए तो इन्होंने ये किया होगा यह तो अब सीबीआई और मीनवाइल चीफ सेक्रेटरी ने इस डीएम को वहां से हटाया केस को होम मिनिस्ट्री भेजा केस के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि यह क्यों ऐसा कर रहा है एलजी को लिखा और सीबीआई को केस चीफ सेक्रेटरी ने दिया और तीस सितंबर 2023 हजार दो महीने पहले ही केजरीवाल के अपने सिग्नेचर से इस डीएम की वहां से ट्रांसफर की गई विजिलेंस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट के बाद चीफ सेक्रेटरी के चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की जो एक कमेटी बनती है नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी जो पार्लियामेंट्री कानून से बनी हुई है जैसे हर जगह पे सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है तो दिल्ली में सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है उसमें चीफ मिनिस्टर मुखिया होता है आपको याद होगा जो अभी कानून जिसको लेके के केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वही कानून भारत सरकार ने पास किया था उसके तहत सितंबर में मीटिंग हुई मीटिंग में केजरीवाल ने मीटिंग चेयर करी इसी हेमंत कुमार को विजिलेंस की रिपोर्ट पे वहां से ट्रांसफर किया गया और आज वही केजरीवाल चीफ सेक्रेटरी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने घपला किया क्योंकि उस कंपनी में शायद आई में मुझे नहीं पता शायद चीफ सेक्रेटरी के सन इन लॉ वहां पे नौकरी करते हैं। अब NHI में तो हजारों लोग काम करते हैं सर किसी किसी ना ना का 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 तो रिश्तेदार निकल ही जाएगा ना दूर का। तो अब सवाल इस बात का है कि ये मैटर है सीबीआई के पास और ये सारा झगड़ा ये फाइलें बना के पूरी जल्दबाजी में जहां अपने मंत्री का डेढ़ साल तक ये रेजिग्नेशन नहीं ले सके डेढ़ दिन में 600 पन्ने की फाइल बना के इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सीबीआई को वो फाइल भेज दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ये है सर पूरी कहानी और विजय जी मैं ये खबर एक्चुअल में पढ़ रहा था और इसमें जो इन्होंने बात कही है मैं अपने दर्शकों को भी एक नजर पढ़वा देता हूं सेकंड पैरा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के बेटे की कंपनी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास साल 2015 में ये जमीन मात्र पचहत्तर लाख में खरीदी थी 2015 में अब महंगे रेट पर उसी जमीन का भूमि अधिग्रहण द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए हुआ है इस तरीके से मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को 850 करोड़ रुपए का नाजायज फायदा हुआ रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के बेटे ने चीफ सेक्रेटरी ने बेटे की कई अन्य कंपनियों को भी सरकारी ठेके दिए बताया जा रहा है कि अब इन कंपनियों की भी जांच होगी तो ये क्या केस बनाने की कोशिश हो रही है विजय जी सर देखिए सीधी सी बात है कि केजरीवाल साहब को बदला लेना है अब कंपनी ने लिया पचहत्तर ये तो वही बात हो गई ना सर एक बहुत छोटी सी बात है जब एक्सप्रेसवे नहीं था यहाँ पे किसानों की हालत खराब थी लोग दो दो चार चार पांच पांच लाख रुपए में जमीन देने को तैयार थे मेरे को भी एक सज्जन मिले थे थोड़े समय पहले उनसे मैंने ये पूछा कि दिल्ली में आपका घर कहां है तो उन्होंने कहा जी मेरा घर है लक्ष्मीनगर एरिया में तो मैंने कहा लक्ष्मीनगर में तो काफी कंजस्टेड एरिया है के नहीं मेरा घर बहुत बड़ा है मैंने कहा चौदाह दो हजार स्क्वायर फीट का है मतलब, लक्ष्मी नगर एरिया में मैंने कहा प्लॉट है फ्लैट है कहते है, जी प्लॉट है दो स्क्वायर फीट तो मैंने दो स्क्वायर फीट मिला किधर से आपको कहता जी mm. हमने उन्नीस सौ बहत्तर तिहत्तर में खरीदा था जब यहां कोई नहीं आता था दो रुपए स्क्वायर फीट जमीन ली थी मैंने जी जी आज उस जमीन की कीमत पांच लाख रुपए स्क्वायर फीट होगी तो अब अगर कोई यह बोले कि देखिए ये तो घपला हो गया तो जब वहां पे द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं था और जमीने वहां खेतों की थी तो खेतों के रेट पे बिकेगी और जहां पर एक्सप्रेस वे बन गया डेवलपमेंट हो गया तो प्राइस एस्केलेशन होना वाजिब है और उसको अगर आप आधार बनाते हो भ्रष्टाचार का अभी तो सीबीआई के पास मैटर है सारे रिकॉर्ड हैं, सर्कल रेट्स हैं, सब कुछ है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है लेकिन एक बात तो क्लियर है और हर आदमी इस बात को मान रहा है कि ये बदले की भावना से चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन ना हो इसलिए ये पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी के साथ खड़ी है मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब को कोई बहुत ज्यादा ठीक है शोर मचाना कागज बनाना मंत्री से फाइल लगवाना सब करना ठीक है लेकिन अल्टीमेटली सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है और जब ब्यूरोक्रेसी ये बोल रही है कि वही घपला नहीं हुआ है सारे कागज ऑन मतलब जितने डिसीजन है ऑन पेपर है तो वो तो सीबीआई के पास जाएगा ही जाएगा ब्यूरोक्रेसी हाँ, में कुछ लोग जरूर होंगे जो चाहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन ना मिले क्योंकि इससे उनके चांसेस चीफ सेक्रेटरी बनने के और उनकी प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाते तो एक इंटरनल कंपिटिटिव राइवलरी हो सकती है लेकिन केजरीवाल साहब के कथन में या उनके स्टेटमेंट में अब जो तथ्य हैं वो तो अब सीबीआई के पास इंक्वायरी जा रही है तो वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल सही है और ऐसे समय पर इस तरह के अधिकारी ही अंदर की खबरें निकाल निकाल करके किसी को को देते हैं ताकि चीजों गरमाया जा सके जो आप कह रहे थे अभी कि ये लोग नरेश कुमार के पीछे पड़ गए हैं आ, इसका एक और जीता जागता सबूत है ये जो अस्पताल वाला मामला है अस्पताल को लेकर के भी आतिशी मारलेना ने एक रिपोर्ट सौंपी है और कहा इसमें भी मतलब इनके इनके बेटे को घसीटने की कोशिश की गई है आज की ही ये खबर है और इसका शीर्षक दिया गया है अब अस्पताल घोटाले में मुख्य सचिव का नाम बेटे को पहुंचाया करोड़ का फायदा करोड़ों का फायदा आतिशी ने केजरीवाल को सौंपी रिपोर्ट यानी चार दिन के भीतर आतिशी आतिशी आजकल बहुत मेहनत कर रही है इसका मतलब पहले द्वारका एक्सप्रेस से रिलेटेड रिपोर्ट सौंप रही हैं अब किसी अस्पताल घोटाला नाम दिया जा रहा है के साहब ये जो है पढ़ लेते हैं दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अस्पताल घोटाला करने का आरोप लगाया है सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बेटे की एक और कंपनी को दिल्ली सरकार के आईएलबीएस अस्पताल से बिना टेंडर एआई सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलवाया जिससे उन्हें सैकड़ों करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया गया नरेश कुमार के बेटे की कंपनी सिर्फ सात महीने पहले बनी है उसे एआई सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं है नरेश कुमार आई अस्पताल के चेयरमैन हैं अब चीफ सेक्रेटरी है तो ऐसे बहुत सारे दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उनमें वो चेयरमैन होंगे विजिलेंस मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को अस्पताल घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है इससे पहले दिल्ली सरकार वही द्वारका एक्सप्रेस वाले क्या लग रहा है आपको ये सब जो है केवल पेशबंदी के लिए ही है जो आप बता रहे हैं सर अब अगर हॉस्पिटल घोटाला हुआ है तो हॉस्पिटल मंत्री कौन था बगैर मंत्री के कागज के साइन तो आगे नहीं बढ़ता ना सर सवाल यह है या तो केजरीवाल साहब कहते हैं कि इनके मंत्रियों को कुछ नहीं पता था डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है इनके हेल्थ मिनिस्टर नारा, नारा नकारा थे नालायक थे उनको कुछ पता ही नहीं हो रहा था डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है तो बगैर चीफ मिनिस्टर के और हेल्थ मिनिस्टर के साइन के तो फाइल ही नहीं हो सकती ना सर जी जी तो इस फाइल को तो देखना पड़ेगा कि फाइल कहां से शुरू हुई और कहां तक गई किस किसने क्योंकि जैसे इन्होंने शीश महल में घोटाला किया था कि दस करोड़ से ऊपर से अगर कोई कागज होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा ये तो रूल है तो इन्होंने जो यहां पे फाइल चलाई और उसमें एक घोटाले की बात कर रहे हैं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें मंत्री और चीफ मिनिस्टर दोनों शामिल थे क्योंकि साइन किसने किए पेमेंट रिलीज के ये तो प्रोसीजरल वायलेशन है चीफ सेक्रेटरी तो फाइल मंत्री को मंत्री से जो कंसर्न सेक्रेटरी है वो मंत्री को देगा और चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को देगा साइन होने के बाद ही आगे कार्रवाई होती है तो अब ये तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट खुद हो रही है कहीं ऐसा नहीं हो कि केजरीवाल साहब और मान लेना अपने खिलाफ ही दुनिया भर के सबूत पब्लिक में रख दें और दूसरी बात तो बहुत सिंपल है सर कि जो जमीन का घोटाले का केस है वो एक वकील ने केस किया है अब प्लांटेड वकील होंगे कोई ना कोई इनके अब सीधी सी बात है कि सीबीआई को उस वकील को बुला के सबसे पहले पूछताछ करनी चाहिए कि भाई तुम्हें अचानक कैसे याद आया और उसके सारे कॉल डिटेल खंगालने चाहिए बहुत कुछ पता लगेगा कि वो किस किस के इशारे पे किस किस से कब कब बात कर रहा था तो ये कई चीजें अभी तो निकल के आएंगी और मुझे लगता है कहीं खुद ना उल्टा फंस जाए इसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो प्रोसीजर से होगा और उसमें मंत्री का रोल इनके अधिकारियों का रोल जूनियर ऑफिसर्स का रोल सीनियर ऑफिसर्स का रोल जैसे लीकर घोटाले में एक एक करके परतें खुली है अब ये सारी की सारी पर्तें अगर ब्यूरोक्रेसी इनके तो वैसे ही इनसे दुखी है और ब्यूरोक्रेसी ने अगर फाइल बना के सीबीआई को दे दी कि देखिए ये मंत्री का ये रोल था और इस चीज को बुला के मंत्री ने ये ये कहा था और ये फाइल पे लिखा हुआ है ये तो फंस जाएंगे तब तो, तो ये देखना है सर कि आने वाले समय में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कैसे जाता है लेकिन इंटरेस्टिंग है और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी क्योंकि अभी तो जिन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं तो आने वाले समय में कोई भी अधिकारी इनकी सुनेगा नहीं वो तो कहेंगे भाई साहब हम तो प्रोसीजर से चलेंगे आपको पसंद हो या ना हो और आप ट्रांसफर पोस्टिंग आप वैसे कर नहीं सकते चीफ सेक्रेटरी दिल्ली भारत सरकार अपॉइंट करेगी तो आपको तो आप प्रोसीजर से चलना पड़ेगा मनमर्जी में कोई ब्यूरोक्रेसी और ये तो एक अच्छा लेसन है ब्यूरोक्रेसी के लिए चाहे वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हो या देश के अलग अलग राज्यों में ब्यूरोक्रेसी हो उन सबके लिए ये एक अच्छा सबक है कि आप बिल्कुल कॉमा देख-देख के काम करिए कहीं ऐसा ना हो कि यही मंत्री जो आज आपसे फेवर ले रहे हैं वो कल आप ही को फंसा दे तो ये तो बहुत अच्छा लेसन है भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए मुझे लगता है इससे करप्शन कम होगा क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी सुनेगी ही नहीं तो मंत्री कि फाइलों में वो करप्ट लोगों को जगह कैसे मिलेगी तो ये एक अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है ये जो टसल है ये जो कंफ्लिक्ट हेल्दी डेवलपमेंट है इसमें खराब कुछ नहीं विजय जी एक मसला और सामने आया है ये आज शाम को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे संवाद कर रहे थे और संवाद करते हुए इन्होंने कुछ दिलचस्प बातें कही हैं एक नजर डालते हैं जरा सेकंड पैरा ही यहां ले लेते हैं केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं मैं एक बार पंद्रह अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं मनीष सिसोदिया नौ महीने जेल रह सकता है सत्येंद्र जैन एक साल जेल में रह सकता है तो हमें जेल जाने से डर नहीं है मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं ऐसा लगता है हाँ इनको पता है सर इनको पता है कि इनको जाना है और इनका पूरा प्रयास है पब्लिक सिंपथी गेन करना अब ये बात कर रहे हैं गांधी जी की ये बात कर रहे हैं भगत सिंह की किससे कंपेयर कर रहे हो यार मतलब एक ने देश के लिए कुर्बानी दी आप जा रहे हो शराब घोटाले के चक्कर में जेल में आप उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो पूरी जिंदगी गांधी ने कहा कि दारू पीना मना है आप कहते हो हम घर घर दारू पहुंचाएंगे महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा कि वैश्यावृत्ति और चोरी चकारी से भी खराब है शराब मतलब कि अगर हमके नशा और अगर आप केजरीवाल साहब का देखो तो इन्होंने तो बकायदा पॉलिसी इसीलिए बनाई कि घर घर शराब पहुंचे और लोगों को सस्ती से सस्ती अच्छी से अच्छी शराब मिले तो ये कंपेयर कर किससे रहे हैं ये बड़ी जल्दी शायद ये भूल जाते हैं कि लोगों की अब दिमागी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी इन लोगों की इनको याद रहे या न रहे समाज याद रखता है कुछ लोग हैं जो इनको चाहेंगे कि ये किसी भी हालत में बीजेपी दिल्ली में नहीं आनी चाहिए वो जरूर इनका साथ निभाएंगे कोई दिक्कत नहीं है पॉलिटिकल एजेंडा सबका होता है लेकिन ये कहना और अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करना उचित नहीं है हाँ आप मनीष सिसोदिया से कंपेयर कर सकते हो आप सत्येंद्र जैन से कंपेयर कर सकते हो आप संजय सिंह से कंपेयर कर सकते हो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सर तो अगर कोई दो साल जेल में है कोई डेढ़ साल से है कोई कुछ महीनों से जेल में है तो उनके एक्सपीरियंस से इनको भी पता लग जाएगा कि जेल में कैसे रहा जाता है एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तीन चीजें हाईलाइट कर रहा है मीडिया इनके कार्यकर्ताओं से जो इनका संवाद हुआ है उसको लेकर के वो तीन बिंदु कौन से हैं? एक नंबर जेल जाने से मुझे डर नहीं है दो नंबर भाजपा हमें जेल भेजकर सरकार बनाना चाहती है तीसरा नंबर जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं मैं जूते की नोक पर इस्तीफा रखता हूं हमें सत्ता का लालच नहीं है उनचास दिन के बाद इस्तीफा नहीं देता किसी ने मुझसे इस्तीफा मांगा नहीं था हाँ ये कह रहे हैं कि अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं उनचास दिन के बाद इस्तीफा नहीं देता मुझसे तो किसी ने मांगा भी नहीं था फिर भी मैंने इस्तीफा दे दिया था दुनिया का पहला सीएम हूं जिसने अपनी मर्जी से उनचास दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था ये जूते की नोक पर इस्तीफा रखते हैं ये कहा से इस तरह के डायलॉग जो है इनके इनको सूझते हैं और कितना हास्यास्पद ये चीजों को बना करके रख देते हैं इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं बच्चों के सिर की कसम खाता हूं ना कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा ना उनका समर्थन लूंगा इन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा बंगला भी नहीं लूंगा गाड़ी घोड़ा भी नहीं लूंगा हम उसने वेतन भी नहीं लेंगे इन्होंने क्या क्या नहीं किया बाद में सर इनके दोनों स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टी मैं इस्तीफा जूते की नोक पे रखता हूं फिर बीजेपी हमें सत्ता से हटाना चाह रही है तो सत्ता भी चाहिए इस्तीफा भी तैयार है तो इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा ना जब आप जेल जाएंगे ऑप्शन क्या आपके पास आप जूते की रोक पे रखें या थाली में सजा के दें कोई फर्क नहीं पड़ता देश का कानून संविधान आपसे इस्तीफा दिलवाएगा और आप उसकी भूमिका आज से बना रहे हैं कि देखिए मैं तो परवाह ही नहीं करता था मैंने तो इस्तीफा पहले दिन से तैयार रखा हुआ था ये तो वास्तव में इस्तीफा इनको तैयार रखना चाहिए क्योंकि किसी भी दिन समन आ गया और ये अरेस्ट हो गए तो उस दिन वो कागज काम आ जाएगा लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं में जिसे कहते हैं ना उंगली कटा के शहीद घोषित होने वाली बात है ये कि देखिए साहब मैं बहुत बड़ा शहीद हूं मैंने सत्ता छोड़ दी अरे छोड़ी क्या मजबूरी थी आपको छोटे घर में नहीं रहने में बड़ी आसानी थी तो शीशमेल बनवाने के लिए आपने सारे कानून ताक पे रख दिए आपने हर वो काम किया जिसके खिलाफ आपने पार्टी खड़ी की थी तो ये तो दुनिया देख रही है ना सर ये कब तक ऐसा चलेगा ऐसे लोग तो बहुत आए समाज में कौन पॉलिटिशियन कहता है कि मैं करप्ट मेरे को बता दो कौन पॉलिटिशियन है जो ये कहता है मुझे मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं लेकिन कुर्सी किसी को नहीं छोड़नी अगर ऐसी ही मारा मारी है तो रोज ये पंजाब सरकार की एयर टैक्सी लेके कैंपेन करने क्यों निकल जाते हैं अगर कुर्सी नहीं चाहिए तो तो सवाल इस बात का है कि आप जनसेवा करिए ना किसने मना किया आपको आप दिल्ली की ही सेवा करते आप हॉस्पिटल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कल ही केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट किया है जब किसी ने कहा था गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहे हैं गंद मचा हुआ है सफाई नहीं हो रही है तो कहते है, मैं किसी को भेजता हूं तो इनका सिस्टम क्या काम कर रहा है इनका हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहा है तो कहना बड़ा आसान है आज आप चले जाइए आज ही मैं आपको बता देता हूं आप चले जाइए डिफेंस कॉलोनी की सड़कों में सड़कों में गड्ढे हैं पानी भरा हुआ है दिल्ली का पॉश एरिया तो ये कहने से थोड़ी होता है सर इनके घर के बिल्कुल सामने दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है इनके घर के जब ये घर से नीचे उतरते हैं सड़क के दूसरी तरफ जहां पे येलो फीवर का टीका लगता है जाके वहां कंडीशन देख लीजिए क्योंकि मैं गया हूं वहां मैं इसलिए बता रहा हूं आपको बिल्कुल इनके घर के सामने केजरीवाल के घर से आप बाहर निकलिए सड़क पार करिए डिस्पेंसरी है। और वहां देख लीजिए क्या हाल है। तो कहने का मतलब यह है सर ये तो सिर्फ मीडिया के लिए है बाकी हकीकत जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं पॉल्यूशन पे इन्होंने बड़े लंबे वादे किए थे उसका क्या हुआ दिल्ली का पानी की हालत यह है कि आप पी नहीं सकते बगैर दिल्ली में आर ओ वाटर लगाए आर ओ सिस्टम लगाए आप पानी नहीं पी सकते ये तो क्वालिटी ऑफ वाटर दिल्ली से हमें मिल रहा तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें कहने की अलग होती है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये जो दो दिन पहले सुकेश ने एक और लेटर बम फोड़ा है जिसमें कहा गया है कि जेलों में कैदियों से वसूली होती है और इसके मास्टरमाइंड जो हैं और कोई नहीं नहीं है अरविंद केजरीवाल खुद हैं और इस मामले की भी सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है विजय जी देखिए ये तो मैं आपसे कह ही रहा हूं और मेरे चैनल पे तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि जेल में ही वसूली का धंधा कर रही है आम आदमी पार्टी और वो गैंग मंत्री चला रहे तो क्या बगैर सीएम की कंसेंट के हो सकता है सुकेश से ही हर महीने दो करोड़ रुपए मांगे गए थे हर महीने कि जेल में आपको बेसिक सुविधाएं जो कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए वो देने के लिए और आपको जेल के अधिकारी तंग नहीं करेंगे बस ये दो चीज की गारंटी कि हम आपको मिनिमम फैसिलिटी देंगे जो कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए और अधिकारी किसी भी कैदी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है ये दोनों चीजें एंश्योर करने के लिए दो करोड़ रुपए महीना सत्येंद्र जैन ने मांगा तो ये तो सर मैं कहा ना कि मतलब ये कहते हैं अंधे के हाथ में बटेर लग गई किसी तरह से इन्होंने हर डिपार्टमेंट में उगाई करी हर डिपार्टमेंट में इसीलिए तो इतने परेशान है ये हर जगह हर फाइल में घपला निकल रहा है तो इन्होंने पिछले दस साल किया क्या या आठ साल जो किया क्या है सत्ता में बैठ के लूटमारी तो करी सिर्फ लोटपर और किया क्या है अगर यही चलता रहा तो जो तीस पैंतीस केस है तो पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटे तो इसीलिए इनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है और जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं मुझे लगता है जुडिशरी को भी बात समझ में आ गई है इसीलिए वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके प्रायरिटी में इनके कोई केस की हियरिंग नहीं हो रही है वो कह रहे हैं आप आइए कतार में कम एज पर यू नो क्यू आपको वी आई नहीं है जो आपकी प्रायरिटी ली जाए तो आप कानून के हिसाब से चलेंगे कोर्ट भी चलेगा इनको भी चलना पड़ेगा और ये तो सारे चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ठीक तो है मीडिया जब तक ये सत्ता में है तब तक इनको टैक्स पेयर के पैसे से ये वकील भी हायर कर लेंगे और मीडिया को भी एड दे देंगे लेकिन जब सत्ता में नहीं रहे तब इनका क्या हाल होगा सोचिएगा सर और मैं तब भी ये कह रहा हूं कि इन्होंने जितना पैसा उगाही किया है इन्होंने अपने पर्सनल एसेट्स बना लिए होंगे चाहे वो आज सोने के रूप में हो चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो या किसी और रूप में या शेयर मार्केट में हो तो ये चीजें हमें देखनी होंगी विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप ओशियन नेटवर्क से जुड़े और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थैंक यू सो मच नमस्कार नमस्कार सर वंदे